हेलो। चलो आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इसके। वन बायर ऑक्सी का टू चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। पढ़ते हैं। क्या नाम है चैप्टर इसके? टाइटल क्या दिया हुआ है इस चैप्टर को? टाइटल क्या है? चेक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कहीं सुनाइए फ्रेज आपने, ये फ्रेज कहीं आपने सुना है? क्या मीनिंग होता है अगर आपने सुना तो? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या? कलाकार। अगर हिंदी में आपका मीनिंग सर, कलाकार मतलब क्या? अ पर्सन हु कैन डू एनी थिंग, हु कैन डू मेनी थिंग बेसिकली। अ पर्सन हु कैन डू मेनी वर्क, जो बहुत सारे काम कर सकता है उसको बोलते हैं कलाकार। तो यहाँ पे स्किन के आगे ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि स्किन क्या बहुत कुछ कर सकती है? हाँ, बहुत कुछ करती है। जो स्किन है सब बहुत सारे काम आते हैं, तो वो हम इस चैप्टर पर पढ़ते हैं जरा। ठीक है, पढ़ते हैं। स्किन इज नॉट जस्ट अ सिंपल कवरिंग। लिखा हुआ स्टार्टिंग उन्होंने ऐसे की है कि स्किन का सिंपल सा काम केवल कवर करना नहीं होता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मोस्ट एक्टिव ऑर्गन्स में से एक है ये। ठीक है, फंक्शनल इन द स्पेस, जो बहुत सारे काम करते हैं। मैनी ऑफ आर रेकग्नाइजिंग फीचर्स कम फ्रॉम द कॉम्प्लेक्शन, हेयर, बेटर फेशियल एटसेट्रा। द मोस्ट एपरेंट फीचर ऑफ एन एज्ड पर्सन एन हेल्दी यूथ और अ टेंडर इन्फेंट इज द टेक्सचर ऑफ द स्किन, वेदर लूज और रिंकल अ टाइट और स्मूथ। तो कह रहा है कि जो हमारे रेकग्नाइजिंग फीचर आते हैं, रेकग्नाइजिंग फीचर मतलब जिससे लोग हमें रेकग्नाइज करते हैं, या तो वो हमें हमारे कॉम्प्लेक्शन के बेस पे रेकग्नाइज करते हैं, या हमारे हेयर पैटर्न के बेस पे हमें रेकग्नाइज करते हैं। आपको पता ही नहीं पता कि हमारे हेयर स्टाइल बहुत मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपका हेयर स्टाइल आपका पूरा लुक चेंज कर सकता है। बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं इन सभी में से अगर मोस्ट अपेरेंट फीचर देखा जाए तो वो स्किन है। वो कौन है? स्किन, टेक्सचर ऑफ द स्किन। टेक्सचर ऑफ द स्किन मोस्ट अपेरेंट फीचर, जो बिल्कुल साफ साफ बाहर से दिखाई दे जाता है, टेक्सचर ऑफ द स्किन, हमारी स्किन का टेक्सचर। जैसे कोई एजेड पर्सन होगा, तो एजेड पर्सन होगा तो उसकी स्किन कैसी होगी? रिंकल रिंकल होंगी। कोई हेल्दी यूथ होगा, यूथ होगा तो उसकी स्किन कैसी होगी? एकदम टाइट। ठीक है, कोई टेंडर इन्फेंट होगा, नजर सबसे होगा एकदम बहुत छोटा, तो उसकी स्किन कैसी होगी? बहुत स्मूथ होगी। तो इन चीज़ों से हम लोगों को रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, यू विल लर्न सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द स्किन। द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज नेम्ड बाय सम बाय अदर्स वुड इवन कॉल इट मास्टर ऑफ मेनी टास्क। तो बेसिकली वही बोला है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का उन्होंने मीनिंग यहाँ पर बताया है मास्टर ऑफ मेनी टास्क, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत सारे काम कर सकता है। इट बिलोंग्स टू इंटरमेंट्री सिस्टम्स ऑफ आर बॉडी। सर ये क्या होता है? ऑफ करूंगा। इंटेग्रमेंट्री सिस्टम का मतलब, ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? इंटेग्रमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? तो पता है कि ऑर्गन का सिस्टम है, ये ऑर्गन का सिस्टम है, सिस्टम ऑर्गन का, एक ऑर्गन सिस्टम है, पता है ना ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन अलग होता है, ऑर्गन सिस्टम अलग होता है। बॉडी में पड़ाता सेल्स, सेल्स से मतलब टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलाकर क्या बनाते हैं? पूरा स्केलेटन, पूरी बॉडी हमारी, पता है ना। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो इंटीग्रमेंट्री सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। सर क्या है ऑर्गन सिस्टम है? सर कौन सा ऑर्गन सिस्टम है?
एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो स्किन कंटेन करता है, हेयर कंटेन करता है, नेल्स कंटेन करता है, एक्सुलेंट ग्लैंड्स कंटेन करता है। ठीक है, लिख लो आपकी डेफिनेशन, इंटरमीडिएट सिस्टम की डेफिनेशन आप लिख लो, यहीं पर एरो बनाकर यहाँ पर साइड में लिख लो आप, सिंपल से लिख सकते हो। ऑर्गन सिस्टम ऑफ, ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एक्सेट्रा, इतने सब लिख सकते हो। लिखो इस तरह से कि आपको समझ में आ जाए, जब आप रिजन करने बैठो तब आपको ध्यान रहे सर ने क्या बताया था क्या नहीं। ठीक है, लिख लिया होगा इतना आपको कह रहे हैं कि स्किन होती है ना, ये इससे इस सिस्टम से बिलोंग करती है, ये ऑब्वियसली इससे बिलोंग करती है, तो हमने पढ़ा था कि इट कंटेन्स स्किन। ठीक है, कंटेन्स आप इससे से बिलोंग करती है ना। ठीक है, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है। स्किन क्या लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे एडल्ट्स में, एडल्ट्स में ऑलमोस्ट टोटल बॉडी का 15% वेट तो इसी का होता है हमारी स्किन, स्किन का प्राइमरीली द स्किन इज एन ऑलमोस्ट इम्परमीएबल बैरियर। इम्परमीएबल बैरियर क्या होता है, मीनिंग लिखा, चलो मीनिंग लिखा था इम्परमीएबल, ये मीनिंग लिख लो आप, देख लिया। देख लिया इम्परमीएबल का मैंने लिखो आपको डिफिकल्ट टू एंटर लिख लो, डिफिकल्ट टू एंटर तो स्किन क्या, स्किन बेसिकली एक ऐसा बैरियर है, मतलब स्किन क्या, स्किन एक ऐसी जगह है जो बैरियर क्रिएट करती है, ऐसा बैरियर क्रिएट करती है तो आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड एलिमेंट्स को एंटर नहीं करने देती है, बाद में धूल उड़ती है कि आपकी बॉडी के अंदर जा पाती है नहीं जा पाती, क्योंकि तो आपकी बॉडी के पास स्किन फैली हुई है, अगर स्किन ना हो तो वो सारी डस्ट वगैरह सारी आपकी बॉडी के पार्ट में चली जाए, लेकिन स्किन हमें क्या करें उससे प्रोटेक्ट करती है, एक बैरियर क्रिएट करके रखती है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग होती है हो रही है। व्हाट इज स्किन, अब स्किन की डेफिनेशन पे जरा, व्हाट इज स्किन, व्हाट इज स्किन, द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आर ऑफ द बॉडी, जो बाहर होती है और जो कवर करके रखती होती है बॉडी को, उस वाले पार्ट को बोलते हैं स्किन। इट इज स्ट्रेच्ड ऑल ओवर इन द फॉर्म ऑफ लेयर, ये कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर, इन द फॉर्म ऑफ लेयर, देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स डायरेक्ट फ्रॉम द स्किन, बिकॉज स्किन से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो स्किन से ही डेराइव हुए, जो स्किन से ही निकले हैं। ठीक है, कोई काम चीज़ नहीं होगी, फंक्शंस ऑफ स्किन इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ स्किन जिसकी वजह से इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या फिर मास्टर ऑफ ऑल टास्क कहा जाता है। दो सेकेंड रुकना, कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्किन, द स्किन सर्व अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज फॉलोज, सारे काम करता है, पहला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, हमें सेंसेशन देने में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड बिल्कुल, एक्सक्रीशन, सिंथेसिस, ये तो बॉडी आपको होगा ग्रे। ठीक है, आपको सेवन मीनिंग फंक्शन से बताया है। ठीक है, समझते हैं एक को अच्छे से, और साथ साथ समझ से चलना, बहुत अच्छे से ध्यान देना।
प्रोटेक्शन से प्राइमरी फंक्शन हो जाए, मैंने प्रोटेक्ट करना तो सकते हैं प्राइमरी फंक्शन है ठीक है। ये चार तरीके से, चार तरीके से प्रोटेक्ट करती है, चार तरीके से हमें क्या करती है प्रोटेक्ट करती है कैसे। पहला इट प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यूज, ये कोई अंडरलाइन टिश्यू जो इस स्किन के नीचे, अंडरलाइन मतलब स्किन के अंडर, स्किन जिन टिश्यूज के ऊपर स्किन फैली है उन टिश्यूज को प्रोटेक्ट करें, उन टिश्यूज को क्या करें प्रोटेक्ट करें, किन से प्रोटेक्ट करें फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स ठीक है। दूसरा होल्ड द बॉडी फ्लूइड्स इनसाइड एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर इवैपोरेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है जो लिक्विड है बेसिकली उसको पकड़े रखना, उसको हल्के में जमाए रखना और उसको बाहर आने से रोकना, उसको बाहर आने से रोकना ठीक है। इट प्रिवेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस और डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंटीनल बॉडी, सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में आने से रोकती है और डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं मॉस्किटोज वगैरह हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हो गए। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट एक्सेस अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज जो गिरती है लाइट के हमारे ऊपर उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है, जो बहुत हार्मफुल होती है। आप सोचो हमारी जो आइज होती है, हमारी जो आइज होती है रेटिना वाला जो पोर्शन होता है कि आपको नॉर्मली आइज से सीधे सन को देख सकते हो बहुत देर तक लगातार कंटिन्यूसली, बाकी सारे बाकी टाइम की बात नहीं कर रहा, जब सन हमारा ऑरेंज कलर होता है नहीं, जब बिल्कुल येलो हो जाता है क्या उस टाइम इसको नेल ऐसे देख सकते हो सब नहीं। आपको पता है आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपकी आँखें खराब हो सकती है सर, ऐसा अल्ट्रावायलेट रेज होती है। अब अल्ट्रावायलेट रेज इसलिए वो इतनी हार्मफुल होती है कि आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन आपको मिल गया ना वो डैमेज कर देंगे, तो हमारे क्योंकि और हमारे जो आइज के ऊपर स्किन तो होती नहीं है, तो हमारे रेटिना वाला पोर्शन तो वहाँ पर स्किन तो होती नहीं है, तो वो बेचारा डैमेज हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, हमारी आइज वहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो सोचो अगर हमारी बॉडी में स्किन नहीं होती और हम दिन घूम रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को खराब हो जाती है, तो स्किन हमें क्या करती है उनसे प्रोटेक्ट करके रहती है, उनसे प्रोटेक्ट करके रहती है। दूसरा हमें सेंसेशन होता है, जो हमें सेंसेशन होता है हमारे जो स्किन की होता है वो स्किन की वजह से होता है, सेंस ऑर्गन चाहे टच हो चाहे पेन हो चाहे प्रेस हो चाहे फील हो, आपको जिन भी तरह का सेंसेशन होता है वो आपको आपके स्किन की वजह से ही होता है ठीक है। टाइम से रेगुलेशन बिल्कुल द स्किन प्रिवेंस हमारी बॉडी के अंदर हीट बनाने के लिए कोल्ड वेदर में, ये देखना ये चीज देखना ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारी स्किन में काम होता है और हीट को बाहर निकालना गर्मी में ये भी हमारी हीट का काम, हमारे टेम्परेचर करते हैं, हमारे टेम्परेचर करते हैं हमारी बॉडी को ठंडा करने के लिए गर्मी निकाल देती है हमारी बॉडी के अंदर से, और सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करे रखती है ठीक है ठीक है। इस टाइम को छोड़ दो किसी काम का नहीं ध्यान कर दो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा ये होता है आगे पढ़ा जाएगा बहुत पढ़ जाएंगे स्टोरी का फूल। सर आप ये फूल का सवाल पेट एक है तो पेट की जो कवरिंग होती है वो किससे बन रही है, वो भी तो स्किन से ही बन रही है अल्टीमेटली, जो भी चीज़ बनी हुई स्किन से कवर्ड है भी लगा हुआ आपके फूल पे स्टोरेज करती है बाय वे ऑफ लेयर, बाय वे ऑफ लेयर इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ फैट है ना, इन द लेयर ऑफ फैट जो कि स्पेशल सेल्स में कंटेंट होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Dust can assist in the process of excretion of water, salt, and to a very limited extent urea. Since sweating from the skin occurs mainly from temperature regulation, the skin is an excretory organ. So, this is good enough. देखो, ये जो excretion का मतलब पता है ना? Excretion मतलब हमारी body के अंदर काफी dirty particles accumulate हो जाते हैं। सब वो कैसे हो जाते हैं, कुछ ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, जो एयर है क्या वो प्योर है, जो प्योरीफाइड है नहीं, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू जो हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसके थ्रू कुछ डर्टी एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हम खाना पीना बाहर का खाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो
इनको बाहर निकालने का, इनको बाहर निकालने का काम स्किन भी करता है। और सर बाहर निकालने वाले पार्ट को तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। बिल्कुल, तो वही यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया गया है कि स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का बेसिकली काम होता है गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन जो स्किन से एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन का काम जो करती है ना, वो गंदगी बाहर निकालने के लिए नहीं करती, इसका मेन पर्पज होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। सर वो कैसे? एक्चुअली स्किन जो हमारा जो एक्सक्रीशन में जो हेल्प करती है बेसिकली कैसे करती है, मेनली स्वेटिंग के थ्रू ये हमारी हेल्प करती है। जो हम स्वेट करते हैं, जो हमारा निकलता है पसंद निकलता है, हमारे स्किन से निकलता है, तो वो स्किन से इसलिए निकलता है कि गर्मी निकले शरीर से ना, वो स्वेटिंग इसलिए होती है ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये जो एक्सक्रीशन का जो काम हो रहा है ये बिल्कुल गंदगी साफ करने के लिए नहीं हो रहा। अगर ये गंदगी साफ करने के लिए स्किन अगर हमारा काम करी होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल देते हैं, बट ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो बस ये समझाना था, बाकी तो यहाँ पर सर्च करेगा कि स्वेटिंग के थ्रू स्वेटिंग का सॉल्ट भी निकलता है एंड टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट यूरिया भी निकलता है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, तो इन चीज़ों से हमारी हेल्प करती है, ठीक है, सारी गंदगी को हमारी बॉडी से निकाल देती है। पर ये गंदगी बाहर निकालना सब काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गंदगी निकलती है वो अलग बात है, पर ये इसका मेन काम नहीं है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सिंथेसिस मतलब बताओ क्या होता है? बनाना। जब आप धूप में जाते हो बोला जाता है ना कि धूप में बैठने से शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है, तो सर हमारे धूप में बैठने से हमारे शरीर का विटामिन डी आ कैसे आता है? स्किन, हमारी स्किन ये काम करती है अभी इसके ऊपर संदेश के अंदर ही, तो ये अंदर ही अंदर विटामिन डी बनाने का काम स्टार्ट कर देती है, अंदर ही अंदर विटामिन डी बनाने का काम स्टार्ट कर देती है। तो लिखा हुआ द स्किन कैन सिंथेसाइज एक्सपोज टू सनशाइन, दिस इज अ माइनर फॉर्म है बहुत, एंड इट्स मैकेनिज्म इज नॉट येट फुली अंडरस्टूड। अब ये कैसे ऐसा होता है, कैसे नहीं होता, ये तो अभी भी अच्छी तरह समझा नहीं गया, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जा रही है। इनफैक्ट टू मच सनशाइन में कॉज टैन है, ऑब्वियसली होता है, अब ज़्यादा सनशाइन में बैठोगे तो आपकी स्किन टैन हो जाएगी, और हो सकता है बीमारियाँ भी हो जाए, अदर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है। ग्रिप मतलब होता है क्या होता है, पकड़ तो ग्रिप में भी आपको ये हेल्प करती है। हैव यू नोटिस दैट ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू वाटर द स्किन ऑफ योर फिंगरटिप से दिन का सब पक करता है? वो कह रहा है नोटिस क्या है, अगर आप बहुत देर तक पानी में रहते हो तो आपकी स्किन जो होती है, आपकी फिंगर टिप्स की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी रिंकल सी पड़ जाती है, थोड़ी सी वाइट से ऊपर पकड़ आ जाते हैं, उन्हें पकड़ सब बोलते हैं बेसिकली। नोटिस क्या होता है, तो खाली ये तो टाइप की स्किन होती है पकड़ वाली, ये आपको बहुत अच्छी स्लिप देती है, वो अच्छी ग्रिप देती है स्लिपरी एरिया एंड इन ए वेट एनवायरनमेंट। अगर किसी गीली चीज को अगर आपको पकड़ना है तो आपका हाथ अगर आपको कैसा होगा, पकड़ होगा, तो इजीली उसको बहुत जल्दी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके सर्विस के क्या फंक्शन थे, तो क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन में हेल्प करना, सेंसेशन में हेल्प करना, स्टोरेज में हेल्प करना, टेम्परेचर में हेल्प करना, एक्सक्रीशन में हेल्प करना, विटामिन डी में हेल्प करना और ग्रिपिंग में, ठीक है। प्रोग्रेस चेक List the four ways in which the skin serves as a protective layer of our body. चार तरीके आपको बताने हैं कैसे आपकी बॉडी प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, तो एक से बता सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, एक से बता दो, ये चार ही पॉइंट दिए हुए, इन चारों पॉइंट को लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस आउट द आइटम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट विच आर नॉट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्किन, क्या स्किन का काम रेस्पिरेशन होता है ना, क्या सेंसेशन होता है हाँ, क्या स्टोर में ग्लूकोज होता है बिल्कुल ना, हम बॉडी के अंदर ग्लूकोज थोड़ी बनाते हैं तो खाना बनाते हैं बेसिकली, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है बिल्कुल, डाइजेशन में हेल्प करती है बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर रेगुलेशन में बिल्कुल हाँ,
वाइटमिंडी बनाने में हाँ सेक्रेट से हार्मोन हार्मोन निकालने में बिल्कुल नहीं। मैं आपको सारी मार्क कराते आ रहा हूँ वहाँ से बेसिकली, तो बाद में आपके डॉक्टर आ जाते हैं ना तो मैं सारे मार्क कराते आ रहा हूँ। अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब समझने के लिए नॉलेज के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। स्ट्रक्चर हमारी स्किन बननी कैसे होती है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन इसका देखा जाएगा दो तरह की लेयर होती है, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। एपिडर्मिस के एपिडर्मिस से क्या क्या चीज़ बनता है, कॉर्निफर सर ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ग्रैनुलर ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, जर्मिनेटिव लेयर ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, सेलेस क्या होता है बाद में। हमारी स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी आती है जो खींचने वाला पन जो आता है वो डर्मिस की वजह से आता है। इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, ठीक है, इनको पहले डर्मिस होता है। सही तो हो गया बायोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर। देखिए हमारी स्किन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, ये स्किन से क्या क्या बना होता है, स्किन किसे किस किस चीज़ को कहते हैं, आपके हेयर ये भी स्किन का पार्ट है, आपके नेल्स ये भी स्किन का पार्ट है, मेमरी ग्लैंड ये भी स्किन का पार्ट है, स्वेट ग्लैंड ये भी स्किन का पार्ट है, सबाकस ग्लैंड ये भी स्किन का पार्ट है। तो स्किन प्रॉपर वाले क्लासिफिकेशन है ए वाले पार्ट को भी पढ़ते हैं, ठीक है। द स्किन प्रॉपर प्रॉपर माइक्रोस्कोपिकली द स्किन प्रॉपर इज कंपोज ऑफ टू लेयर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली यानी माइक्रोस्कोप से देखोगे तब ही आपको ये दो चीज़ दिखाई दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको दिखाई देगा दो तरह की लेयर्स बनी होती हैं, एक तो बाहर की तरफ होता है एपिडर्मिस और एक तो अंदर की तरफ होती है डर्मिस। इतना समझ में आ गया, जो बाहर होती है वो एपिडर्मिस, जो अंदर होती है वो डर्मिस। सर कैसे याद रखें इसको, ध्यान रखें इसके में दो चीज़ तो होती होती हैं डर्मिस डर्मिस तो दोनों में है। ये जो बाहर आउट मतलब बाहर, तो बाहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, तो ई वाला जो वर्ड है वो बाहर के लिए है और जो बिदाउट ई वाला है वो अंदर के लिए है, ठीक है। मेरे एक सिंपल सा तरीका था याद करने का, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं ना, द एपिडर्मिस इज आउटर इनर सॉरी द एपिडर्मिस इज आउटर थिनर पार्ट नॉट थिकर, ध्यान रखना है, थिनर पार्ट ऑफ द स्किन। इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाइल्ड अप लेयर आफ्टर लेयर, वो कह रहे हैं बहुत सारी एक ही सीरीज में एक के बाद लेयर बनी होती हैं, पाइल्ड अप हो जाती हैं लेयर, तब जाकर ये बनता है। एट प्लेसेस किसी किसी जगह पर तो एपिडर्मिस बिकम्स थिक, कभी कभी तो किसी किसी जगह पर, एट प्लेसेस लगे किसी किसी जगह पर तो ये एपिडर्मिस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, थिन की जगह थिक हो जाता है और हार्ड हो जाता है। एज ऑन दी पाम्स, जैसे कि पाम्स में होता है, हमारे सोल में हो जाता है, स्पेशली ऑन दी हील्स, हील्स के साइड में कितने हार्ड होते हैं। इट इज डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स एट ऑल प्लेसेस, सर ये हर जगह पर ब्लड वेसल्स से दूर रहते हैं, ये हर जगह पर ब्लड वेसल्स दूर रहते हैं, ठीक है, यानी एपिडर्मिस में ब्लड नहीं होता। दी एपिडर्मिस शोज थ्री रीजंस, एपिडर्मिस के अंदर आपको तीन रीजन दिखाई दे सकते हैं, वो भी कैसा कह रहा है, अगर बहुत माइक्रोस्कोप के बाद एक के अंदर अगर आप ऐसे देखते हो डेप्थ वाइज तो आपको तीन रीजन आपको मिलेंगे एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है, जिसको आप सब लेयर्स बोल सकते हो, जैसे आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर, एक कॉर्निफाइड लेयर होती है, एक ग्रैनुलर लेयर होती है, एक मेलफेगियन लेयर होती है, ठीक है। अब कॉर्निफाइड लेयर को स्ट्रेटम भी बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्निया, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरे को समझते हैं, कॉर्निफाइड लेयर मतलब क्या, एपिडर्मिस के अंदर जो पड़ रहे हैं, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर जो पड़ रहे हैं ना सब लेयर बेसिकली, उसको बोलते हैं कॉर्निफाइड लेयर। सर आप एक ये तो समझो कि एपिडर्मिस अपने आप में उसने एपिडर्मिस को तीन चीज़ों से मिलकर बनाया, अब तीन चीज़ों को और हमें तोड़ना पड़ेगा कि ये किस किस से मिलकर बने हैं, इनका क्या मतलब। पहले हम पढ़ते हैं कॉर्निफाइड लेयर का मतलब, कॉर्निफाइड लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर जो बाहर की लेयर होती है, कंसिस्टिंग इसके अंदर बहुत सारी क्या चीज़ होती हैं,
बहुत सारे लेयर्स ऑफ फैट एंड डेड सेल्स। ओहो, हमारी बॉडी के बाहर स्किन में बहुत सारी डेड सेल्स होती है, फैट एकदम शेप में, एकदम फैट शेप में, इससे जो लेयर बनती है, उनसे जो लेयर बनती है उस लेयर को क्या बोलते हैं, कॉर्निफर लेयर बोलते हैं, उनके बोलते हैं कॉर्निफर लेयर बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेटम, कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम है ना। दीज सेल्स आर मेड ऑफ अ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। केराटिन तो सर आपने सुना होगा सर, केराटिन टीवी देखते थोड़े बहुत, टीवी में किसी शैम्पू का ऐड आता है उसमें आपने सुना होगा केराटिन, सनसिल्क या फिर क्लिनिक पर खाने के समय आता है ना। तो कह रहे दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंटेंट वो प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। मतलब सेल्स होते हैं, वाले सेल्स होते हैं डेड सेल्स जो होते हैं, जब तक इससे बने होते हैं डेड सेल्स, कुछ प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर से, प्रोटीन वाले फाइबर से बने होते हैं, जिसको हम केराटिन बोलते हैं। और ये केराटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में, हमारे हॉर्न्स में, हमारे हॉर्न होते हैं क्या, नहीं, एनिमल्स के लिए, हमारे हुक्स में ना, एनिमल्स के हुक्स में, एंड सिल्क और धागे में है ना। एक सर धागे में कैसे होता है, धागे तो नॉन लिविंग थिंग है, धागा नॉन लिविंग है क्या, नहीं, धागा क्या है, एक प्लांट है, थ्रेड एक प्लांट का एक क्या है, पार्ट है, वो लिविंग माना जाता है, वो लिविंग होता है, वो उस धागे बीज से भी निकलते हैं, ये लिविंग होते हैं, ठीक है, बात वो अलग है कि इनके सेल्स डेड हो जाते हैं पर ये लिविंग होते हैं। ऐसे सेल्स आर कंटिन्यूअली बोर्न अवे एक्सेड एंड आर रिप्लेस्ड फ्रॉम ग्रीन सो दोस आर एज अ फॉर डीपर मेसेगियन लेयर। वो कह रहे हैं ये कॉर्निफर लेयर में जो सेल्स होते हैं ना, क्या कहते हैं सेल्स होते हैं कॉर्निफर लेयर में, ये ना बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म भी होते हैं, झड़ जाते हैं है ना, और रिप्लेस भी होते हैं, नए 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 आते रहते हैं सर, कहाँ से आते रहते हैं, बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत डीप में जाकर ये मेल फीगन लेयर है, तो मेल फीगन लेयर हम लास्ट में पढ़ेंगे, मेल फीगन लेयर है, वहाँ से नए नए सेल्स के ऊपर कैंसर, कैंसर मेल फीगन में एक टाइम पर तो आप कुछ समझ सकते सर, एक टाइम पर तो मेल फीगन में लाइव सेल्स रुकती है किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन पहुंचाना तो उसको रोकती है, लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन यानी कि धूप की वजह से आपकी बॉडी से पानी उठने लगे, ऐसा भी नहीं होने देती है, ऐसा भी नहीं होने देती है। अब आते हैं ग्रैनुलर लेयर, तो थोड़ा सा एस्केप बाधी होती है जस्ट बॉडी से, ये भी बहुत थिन मिडिल लेयर होती है, कंसिस्टिंग ऑफ टू और थ्री सब लेयर, ओ इसके अंदर फिर दो तीन सब लेयर्स होती हैं, ठीक है। ग्रेजुअली इट गिव्स वे टू द आउटर मोस्ट कॉर्निफर लेयर, कुछ नहीं लगा इसके अंदर, इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया, आपको याद रखना, अगर याद रखना समझो काफ़ी थिन होती है ये भी, इसके अंदर खुद दो तीन सब लेयर्स होती हैं फ्लैट शेप में, फ्लैट शेप सेल्स, ठीक है। अब आते हैं मेल फीगन लेयर, यहाँ से देखते हैं स्टेटम मेल फीगन और जर्मिनेटेड लेयर, इनर मोस्ट रीजन ऑफ द एपिडर्मिस, सबसे अंदर इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर का जो एरिया है एपिडर्मिस का, वो यही वाला लेयर है। इट्स द सेल्स कैन एक्चुअली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, इसकी सेल्स होती है बिल्कुल लाइव अलाइव होते हैं, ये नए नए सेल्स क्या करते हैं प्रोड्यूस करते रहते हैं, इस प्रेस जो दबते हैं एंड सेल्स आर टू रिप्लेस द बर्न आउट सेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट कॉर्निफर लेयर, ये बाद में रिप्लेस हो जाते हैं कॉर्निफर लेयर के सेल्स के साथ, ठीक है। अब लिखा हुआ है कलरेशन ऑफ द स्किन, कलरेशन ऑफ द स्किन मतलब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन होता है स्किन उसके बारे में बता रहे कि कॉम्प्लेक्शन जो होता है किसी के स्किन में ये अलग अलग क्यों होता है, ये कभी कभी क्यों होता है सर, ये तो हमें पता है, अच्छा आपको पता है तो कैसे होता है, तो बाइबर्स होता है सर ये तो, अच्छा
अच्छा बायोवर्स होता है, ठीक है तो बायोवर्स होता होगा, तो बायोवर्स मतलब क्या कोई रीजन होगा, कोई साइंटिफिक रीजन होगा, नहीं होगा ये आप लोग के बायोवर्स है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के जो पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, पेरेंट्स का कॉम्पिटिशन अलग होता है, चिल्ड्रन का अलग होता है, फिर ऐसा क्यों? जैसा पेरेंट्स का वैसे चिल्ड्रन का होना चाहिए कि आपने देखे किस कभी नहीं देखे, पेरेंट्स का कॉम्पिटिशन कुछ और होता है, बच्चों का कॉम्पिटिशन कुछ और होता है, उसके रीजन क्या होता है? तो बायोवर्स अब जैसे हो गए वैसे हो गए, हाँ ठीक है बायोवर्स जैसे हो गए ठीक है वैसे हो गए, मैं कह रहा हूँ बायोवर्स भी अगर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनके बायो का बर्थ से बर्थ आ रही है तो ऐसा क्या हो रहा है? बर्थ के टाइम पर उनका कलर चेंज हो रहा है उनके पेरेंट्स से या सेम हो रहा है उनके पेरेंट्स से, ऐसा हो रहा है यानी बॉडी के अंदर कलर आ कैसे रहा है, स्किन के अंदर कलर आता कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उसका भी ना एक उसका भी एक रीज़न है, जो कलरेशन होता है ना स्किन का, हमारी स्किन का जो कलर होता है, दिस इज ड्यू टू अ पिगमेंट। एक पिगमेंट जैसे पिगमेंट होता है एक जगह, तो जगह कौन सी है? मेलानिन। एक मेलानिन जगह है हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर कंटेन होते हैं, सॉरी और जो पिगमेंट दीजिए, पिगमेंट भी होता है, पिगमेंट भी कहाँ पर होता है? इस पिगमेंट के अंदर एक मेलानिन होता है, एक मेलानिन, उस वजह से हमारी स्किन का कलर होता है। और ये जो होता है ये कहाँ पर होता है? कंटेंट इन दी सेल्स ऑफ मेल फीट लेयर, सबसे अंदर जो लेयर होती है ना वो लेयर हमारा कलर डिसाइड करती है, और उस लेयर के अंदर ये कुछ पिगमेंट होता है ज़्यादा पिगमेंट होंगे या जितने ज़्यादा कम होंगे उस हिसाब से आपकी स्किन का कलर डिसाइड होगा, ठीक है सर? ये तो पता नहीं, तो फिर सर ये तो बता, अगर ज़्यादा क्वांटिटीज है तो अब कलर ब्राइट होगा या फिर ज़्यादा कम है तो कलर ब्राइट होगा? ये तो बैठ ले कहीं नहीं आप, तो समय तो बताओ, मैंने पढ़ दिया ना फिर समझ में आ जाएगा। अफ्रीकन नेग्रोस है जेनेटिकली डार्क कलर, अफ्रीकन नेग्रोस को जेनेटिकली उनके जीन्स में ही ऐसे कि डार्क कलर की स्किन होती है, यूरोपियंस की लाइट कलर होती है, एंड मोस्ट इन सेवन इंटरमीडिएट्स का सर इंडियन से होते हैं तो बिल्कुल बीच से होता है सर, इसमें रीजन तो लिखा देखने दिया गया लिखा हुआ कहीं ना इन फेयर इन फेयर कलर पीपल ऑल्सो ऑन कंटिन्यूड एक्सपोजर टू सनलाइट फेस और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में गेट टैन एंड रिवर्ट टू ओरिजिनल कंडीशन बैक टू एक्सपोजर करता है। कभी कभी ऐसा कि जो सेम टैन हो जाती है तो उसमें सन के ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाते हैं, लेकिन आप उस एक्सपोजर को हटा देने सन से आपको टेम्परेचर दूर हट गया आपको कल वापस पहले से होते हैं। स्किन पिगमेंट एक्स लाइक एन अम्ब्रेला, स्किन का जो पिगमेंट है वाला ये अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के इनर पार्ट्स को बचाने के लिए फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज़ ऑफ सनलाइट व्हिच कैन कॉज़ द स्किन कैंसर भी हमको पड़ी लेता टू एब्नॉर्मल कंडीशंस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन जिसके बारे में पढ़ा कलर डिसाइड होता है उसके कुछ एब्नॉर्मल कंडीशन था उसे कुछ कंडीशन बताना है। ल्यूकोडर्मा, कौन सा डरना? डरना नहीं, ल्यूकोडर्मा नहीं है, ल्यूकोडर्मा ऑल्सो कॉल्ड बिटी लगो कह रहा है ये कंडीशन है कोई को डरना सिर्फ डरने वाली कोई सिचुएशन है ना डरने वाली। स्किन पिगमेंटेशन उसको मेलानिन बोलते हैं, ये खो जाती है इसे लॉस्ट फ्रॉम स्मॉलर और लार्जर पैचेस एंड डिफरेंट रीजन ऑफ दी बॉडी, हमारी बॉडी के बॉडी में से मिस हो जाती है बेसिकली। एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस डिजीज इसकी वजह से डिजीज होता है, इसकी वजह से डिजीज होती है वो अभी तक नोन भी नहीं है ना। और इस कंडीशन को बोलते हैं लिकोडर्मा। एक होती है एल्बिनिज्म है ना, कम्प्लीट नहीं, आपने कहा है थोड़ा सा पार्ट या थोड़े से ज़्यादा पार्ट, लेकिन कम्प्लीटली अगर लॉस हो गया तो ये कम हो गया तो
इसके है ना कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंट होता है इसके अंदर तो बॉडी में कोई गिर अगर ये कंप्लीट लॉस हो गया तो क्या होगा द स्किन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल एपियर्स पिंकिश तो आपकी स्किन पे कैसे दिखाई देगी आपकी स्किन पे दिखाई देगी पिंकिश पिंक कलर की क्योंकि बिकॉज द अंडरलाइन ब्लड कैपिलरीज क्योंकि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है जिसका रेड कलर होता है तो रेड और व्हाइट मिलकर आपको थोड़ा सा पिंक कलर आपको दिखाएंगे एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट कॉज ड्यू टू इनहेरिटेंस ओहो ये एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम है जो इनहेरिटेंस की वजह से होती है यानी जो जीन्स की वजह से होती है जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है जो बेसिकली एंड एल्बिनो कपल वुड प्रोड्यूस ऑल एल्बिनो चिल्ड्रन अगर कोई अगर पेरेंट्स एल्बिनो है ऐसे पेरेंट्स के अंदर ही प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को भी वाली प्रॉब्लम होगी ठीक है ये तो हमने पढ़ा एपिडर्मिस तो हमने पढ़ा एपिडर्मिस के द्वारा समराइज करके बताओगे एपिडर्मिस का तो हमने पढ़ा एपिडर्मिस अपने आप में कुछ नहीं है उसके अंदर थोड़ा तीन लेयर होते हैं ठीक है और तीन में बाकी कुछ दूसरी वाली होती है उसके अंदर उसके अंदर दो दो या तीन सब पार्ट होते हैं ठीक है और उसके बाद हम आते हैं डर्मिस जो क्या होती है इनर मोस्ट सबसे अंदर होती है मतलब जो एपिडर्मिस के भी अंदर होती है एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्किन का ये अंदर वाली स्किन होती है ठीक है डर्मिस का इनर थिक लेयर सर बोलो थिन थिन हाँ ये थिक है एक थिक लेयर है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर होती हैं और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है ये काफ़ी टफ होती है और फ्लेक्सीबल होती है एट सर्टेन प्लेसेस किसी किसी जगह पर डर्मिस होता है इन स्किन पे वेरी थिक बहुत ज़्यादा थक हो जाता है कभी कभी जैसे कि हमारी पाम पर सोज पर और कभी कभी बहुत थिन हो जाता है जैसे कि हमारे आईलिड्स पर ब्लड वेसल्स भी आते हैं नर्व फाइबर्स भी आते हैं सेंसरी ऑर्गन्स भी आते हैं हेयर फॉलिकल्स भी आते हैं स्वेट ग्लैंड्स भी आते हैं और बहुत अच्छी चीजें आती हैं वो कह रहा है लेदर ऑफरेंट फ्रॉम द हाइड्स ऑफ एनिमल्स इज एक्चुअली द डर्मिस पार्ट ऑफ द स्किन वो एनिमल का कौन सा पार्ट होता है एपिडर्मिस का पार्ट होता है डर्मिस का पार्ट होता है डर्मिस वाला जो थिक होता है मैं पूछो याद रखना है पूछो याद रखना है पूछ सकते हैं आपसे द आउटर रीजन of the dermis which lies next to the epidermis is rich in numerous small pores called papillae which contain blood capillaries and nerve endings वो कह रहे थे बाहर का जो रीजन होता है डर्मिस का जो कि बेसिकली एपिडर्मिस के बिल्कुल बगल में होता है ये ना बहुत ज़्यादा क्या करता है छोटी छोटी प्रोसेस करता है छोटी छोटी क्या करता है प्रोसेस कर उसको पेपलाई बोलते हैं पेपलाई बोलते हैं और ये क्या करता है विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व एंडिंग्स इस प्रोसेस से क्या कंटेन करते हैं इसकी जो रीजन होती है रीजन क्या कंटेन करते हैं रीजन के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती है और नर्व एंडिंग्स भी होती हैं सो द नर्व एंडिंग्स एंड सेंस ऑर्गन्स हेयर आर कंसर्न विद सेंसरी यहाँ ये नर्व एंडिंग्स और सेंसरी ऑर्गन्स मिलकर सेंस ऑर्गन्स मिलकर सेंसेशन का काम बेसिकली करते हैं लाइक टच एंड पेन है ना द शार्प सेंस ऑफ टच इन द स्किन ऑफ फिंगर टिप्स इनेबल द ब्रेन टू रीड द बेलिक एड्रेस को कह रहा है अगर कुछ बहुत साफली बहुत तेजी से अगर सेंस कर पाता है टच को ना आपके अपने फिंगर टिप पे तो उससे वो ब्रेली कैरेक्टर्स पढ़ना सीख जाएगा सब ब्रेली कैरेक्टर्स होते हैं कैसे इसके टप ब्रेली जो ब्लाइंड लोग देख पाते हैं बेसिकली है ना जो ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई गई है ताकि वो पढ़ सकें देर आर सम मोर सेंस रिसेप्टर्स यानी बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स भी बहुत सारी जगह सेंस करते हैं इन द डीपर पार्ट्स बॉडी के बहुत डीप में है ना तो कंसर्न विद द सेंसेस ऑफ जो कि इनका काम करता है प्रेशर को सेंस कराना पेन को सेंस कराना हीट को सेंस कराना कोल्ड को सेंस कराना एटसेट्रा द लेयर ब्रीथ द डर्मिस कंटेन ह्यूमरस फैट सेल्स वो हो कहता है सर एपिडर्मिस के नीचे तो डर्मिस के नीचे तो एपिडर्मिस डर्मिस के नीचे ना बहुत सारे फैट सेल्स होते हैं उसके एडिपोज लेयर होते हैं उसके एडिपोज लेयर होते हैं दिस सबक्यूटेनियस फैट नॉट ओनली सर्व एज अ फूड रिजर्व बट ऑल्सो एज अ
हीट इंसुलेटिंग लेयर एज वेल एज अ सॉफ्ट एब्सॉर्बर। बेसिकली वाला जो पार्ट होता है ये केवल अपने अंदर फूड को रिजर्व नहीं करता है बल्कि आपके अंदर हीट को इंसुलेट करने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नीम का थ्री सब लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस कम आउट ऑफ योर एनर्जी। राइट लोअर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज मेड ऑफ ब्लड सेल्स हैविंग केराटिन, बिल्कुल केराटिन होता है। द मेल फिगर लेयर इज अ हार्ड रेजिस्टेंट ऑफ डॉक्टर इन दिस आई थिंक यस तो इसको यस कर लेना, नहीं नो कर लेना इसको फॉल्स। द पिगमेंट मेलानिन इज इन पार्शियल कोरिलेशन टू द स्किन इज फाउंड इन द मेलानिन लेयर, बिल्कुल सही। द डर्मिस इज वेरी थिक ऑन द पाम एंड सोल्स, बिल्कुल बिल्कुल। आपके डेरिवेटिव वाले पार्ट्स रह गए हैं इसके काम कर लिया। सबसे पहले मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, चलो कह देता हूँ दूसरा पॉइंट। डेरिवेटिव ऑफ द स्किन, स्किन से कौन कौन से पार्ट है हमारी बॉडी को ड्राइव होते हैं बेसिकली? आपके हेयर्स हैं, आपके हेयर, आपका नेल, आपके वाले ब्लैंड, ये वाले ब्लैंड और ये तीन तरह के ब्लैंड हैं आपके बीच, ठीक है। अ हेयर कंसिडर थ्री पार्ट्स, ये क्या बोल रहा है सर? सर ऑलरेडी हमारे तो छोटू सा ना पतला सा हेयर है, इसके अंदर तीन से आने की जगह तो है नहीं है। तो फिर माइक्रोस्कोप से देखो, माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तब आपको दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा। हेयर साफ से पहला पार्ट होता है, हेयर साफ पहला पार्ट क्या है, हेयर साफ पार्ट है। विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द स्किन एंड मे एक्सटेंड स्लाइटली बिलो सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, जो बेसिकली स्किन से तो निकलता है, जो स्किन से निकलता है लेकिन एपिडर्मिस तक जा सकता है। इन नॉर्मल सिचुएशन दे लाए ऑब्लिक्विली ऑन द स्किन, बेसिकली स्किन को ऊपर ही लाए कर स्किन के अंदर ही लाए करते हैं, ठीक है। हेयर रूट, हेयर रूट भी दूसरी तब खुला होगा। हेयर रूट इज इन पार्ट एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब ऑलरेडी शामिल है वहाँ पर बनी हुई ऑलरेडी, एम्बेडेड विद द डर्मिस जो ऑलरेडी हमारे डर्मिस में बनी होती है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द हेयर रूट इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म अ हेयर बल, सबसे छोटा पार्ट होता है हेयर रूट का, जैसे उसको बड़ा किया जाता है ताकि वो क्या बना सके, हेयर बल बन, हेयर बल, हेयर बल बना सके हमारे थर्ड पार्ट हेयर में, जिससे वो कंटेन जो क्या करेगा एक कंटेनर पॉजिशन में गर्मी जो कि डर्मिस के पॉजिशन को कंसिडर करेगा एंड कॉल्ड हेयर पेपिला विच कैपिलरी ब्लड सप्लाई, जिससे कैपिलरी ब्लड सप्लाई है ना, जो कैपिलरी सेल जो होते हैं जिससे सप्लाई करते हैं। हेयर फॉलिकल इज अ स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग द हेयर, एक हेयर फॉलिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, हेयर रूट को क्लोज करके रखता है, जो हेयर रूट को क्लोज करके रखता है, क्लोज करके रखता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू शीट, ये एक एपिथेलियल से और कनेक्टिव टिश्यू शीट से मिलकर बना होता है। द हेयर बल्ब एंड द हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ हेयर। ये जानने से हेयर की जो ग्रोथ डिपेंड करती है किस पर, हेयर बल्ब पर, हेयर फॉलिकल पर, है ना। द
ग्रोथ ऑफ हेयर अकर्स बाय एडिशन ऑफ सेल्स एट द बेस। अगर बालों के सेल्स ऐड होंगे तभी आपके बाल बढ़ेंगे, अदरवाइज बाल झड़ जाएंगे आपके, आपने बाल जिसमें से कम होंगे। हेयर फॉलिकल्स कंटेन पिगमेंट सेल्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन, यहाँ पर भी सारी होता है जो मेलानिन कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। द कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू बेयरिंग क्वांटिटी ऑफ मेलानिन, यहाँ पर भी उसी तरह से होता है। व्हेन मेलानिन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, जैसे मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हेयर बिकम्स ग्रे सिल्वर और इवन कम्प्लीटली ब्राउन। ओके सर, वो आंसर मैं पहले नहीं बताता कि जो मेलानिन के पिगमेंट्स होते हैं ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज़्यादा होते तो कलर कैसे होता है, कम होते तो कलर कैसे होता है। तो आप देख पा रहे हो जैसे नंबर ऑफ मेलानिन कम होती आ रही है, क्वांटिटी कम होती आ रही है, कलर वाइट होते जा रहे हैं। ओके, यानी कि अगर आपके स्किन में ये वाला मेलानिन ज़्यादा होगा तो आपके स्किन में ब्लैक थोड़ा डार्क होगा, अगर ये कम है तब तो वाइट होगा। ठीक है, एवरीवन हैज सम टाइम्स एक्सपीरियंस टू गूज स्ट्रेस, गूज से जुड़े मेटर डूरिंग सर इमोशन। सर ये पता है कोई गूज बम्प हो जाते हैं हमारे रोंगटे, हिंदी में रोंगटे खुल जाते हैं, तो हर किसी लिए कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस क्या होगा, या तो विंटर में या फिर कभी कभी बहुत इमोशन हो जाता है। इन दिस स्किन में चलता है हेयर इज लिफ्टेड, हेयर क्या होता है बाल खड़े हो जाते हैं हमारे बॉडी के, इसको बोलते हैं पिलो इरेक्शन, पिलो इरेक्शन, पिलो इरेक्शन, पिलो मतलब द हेयर, हेयर को उठाना है। सरफेस ऑफ द स्किन प्रेजेंट्स आर सम वर्ड कॉन्टेक्ट एंड रिंकल एपियरेंस, और स्किन हमारी पता नहीं एनी आप पता नहीं कैसे में कैसे कॉन्टेक्ट होती है और रिंकल एकदम एपियरेंस देती है। दिस इज कॉल्ड बाय द इरेक्टर, इसको बेसिकली इरेक्टर भी होता है, इरेक्टर मसल, इसको इरेक्टर भी बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारे बालों के अंदर होता है इरेक्टर मसल। और फिर एंड ऑफ द सीजन से ऑब्लिक्वली बिटवीन द हेयर फॉलिकल एंड आउटर पार्ट ऑफ द रेस्ट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल एट वन एंड पुल्स द हेयर और सम वर्ड बॉडी को पोजीशन एट द अदर एंड डिप्रेस द एपियरेंस। कॉन्टैक्ट करता है और पुल करता है हेयर को वर्टिकल पोजीशन में और दूसरी तरफ से डिप्रेस करता है एपिडर्मिस। हेयर आर कॉन्टिन्यूअसली लॉस्ट, हेयर को कम से कम होने से कभी डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, लॉस्ट सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वार से ग्रोथ ऐसा तो होता नहीं है, तो कम्प्लीटली ग्रोथ हो ही चुके होता है। ड्यूरेशन ऑफ स्कैल्प हेयर इज 2 to 5 years एंड दैट ऑफ आईब्रोज एंड आईलैशेस 3 to 5 months। वो कह रहे हैं अगर आपको स्कैल्प हेयर चाहिए तो 2 से 2.5 साल लगेंगे, तो आईब्रो ग्रो या फिर आईलैशेस चाहिए आपको 3 से 5 महीने आपके लगते हैं। हेयर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो सटल डिफरेंस, वो कहना हेयर अगर आप डिफरेंट पार्ट्स के देखते हो बॉडी के तो हर पार्ट पर अलग अलग होते हैं। आपके हेड के देखो, चेस्ट के देखो, आर्म के देखो, आउटर के, बियर्ड के देखो, मस्ट के देखो, अलग अलग होते हैं। दीज आर हेल्पफुल इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेयर सबसे प्रोडक्ट सेंसेशन ऑफ टच बिकॉज हेयर में फाइबर एक्सटेंड अप टू देयर बेसिस, वो कह रहे हैं हेयर फिल्म में सेंसेशन का एहसास कराते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि नर्व फाइबर जो होते हैं वो बालों के बीच तक फैले होते हैं। देयर आर हेयर्स अलोंग द एजेस ऑफ आईलिड्स, सो आईलिड्स के पास भी हेयर्स होते हैं, आईलिड्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं एंटर फॉरेन पार्टिकल्स, तो फॉरेन पार्टिकल्स हम लोग जो यूएस से आए ना बाहर से आए उसके लिए पार्टिकल बाहर के एक्सटर्नल डस्ट को आने से रोकते हैं। सिमिलरली देयर हेयर्स इन द नोज, आपके नोज में भी हेयर्स होते हैं, अगेन टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इन योर नोज़ल पास, आपके नोस्टल एरिया में कोई डस्ट पार्टिकल ना इसलिए बोले होते हैं। फेशियल हेयर्स इन ह्यूमन मेल्स, लड़कों में जो फेशियल हेयर्स जो होते हैं बेसिकली किससे होते हैं, उसको मोसेक बोलते हैं, जिसके लिए बियर्ड हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द मेल मेल सेक्शन, मतलब बेसिकली हमें मेल बेसिकली हमें आइडेंटिफाई कराने के लिए इसके लिए हेल्प करते हैं, और इनका कोई भी रीज़न नहीं है। ठीक है, यही तक करते हैं, बाकी होमवर्क देखते हैं। ठीक है, क्या है, इफ फॉर सम रीजन द सेरेब्रल ग्लैंड्स फेल टू फंक्शन, दिस मीन्स द फॉलोइंग प्लेन इनटू एबनॉर्मल कंडीशन, ये कर सकते हो आप।
ठीक है, अभी मैं ये कर रहा हूँ क्या था? ठीक है, आपको हम बताए।